रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डैफोडिल्स किचन। आज जो डैफोडिल्स किचन में बन रहा है जी, ज़बरदस्त सा हमारे जी मलाई बोटी बन रही है। और मलाई बोटी में मैंने बीफ लिया है, और बीफ को आप ये देख सकते हैं कि ऐसे स्ट्रिप्स में काट लिया है। सही है, देख सकते हैं आपने, ये पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लिया है। तो आज जो हम बना रहे हैं जी सीख कबाब, मलाई बोटी और बीफ पे बना रहे हैं हम। तो देख लेते हैं इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमें क्या चाहिए। ये देख सकते हैं आप, ये दही लिया था मैंने आधा पाव। आधा पाव दही में एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने फ्राई किया ऑयल के अंदर, और फ्राई होने के बाद प्याज और दही को एक साथ पीस लिया। ये तकरीबन डेढ़ से दो टेबलस्पून कच्चा पपीता है, ठीक है, ये पेस्ट ले लिया। और ये जो आप देख रहे हैं जी अदरक लहसुन का पेस्ट है, और साथ में सात से आठ अदद हरी मिर्चें जो तीखी वाली हैं ना, वो इस्तेमाल किए हैं, वो पेस्ट बना लिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून रिक्वायर्ड होगा। ये वो ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज एक मीडियम साइज़ की फ्राई की थी, तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून हमें रिक्वायर्ड है। बेसिक से मसाले जाएंगे जी 1 टेबलस्पून नमक, नमक मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, इसके अलावा 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, जायफल जावित्री 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, ज़ीरा और धनिया 1 टीस्पून लिए थे दोनों, उसको भून लिया और उसको दरदरा सा पीस लिया। थोड़ा सा कलर रिक्वायर्ड है, और लेमन जूस मुझे चाहिए होगा तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून। सबसे पहले हमने ये जो हमारे ये देख सकते हैं आप चाहें तो आप इसको पीसे से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्ट्रिप्स में, बड़े स्ट्रिप्स में लिया है गोश्त को। तो ये देख सकते हैं स्ट्रिप्स में कटा हुआ है, आप चाहें तो बोटियाँ बना लें, इट्स ऑल अप टू यू। तो इसको हमने मैरिनेट करना है इन तमाम स्ट्रिप्स को, तो मैं स्ट्रिप्स को निकाल रही हूँ, ज़बरदस्त सा इसको मैरिनेट करेंगे हम। ये देख सकते हैं स्ट्रिप्स में कटे हुए तमाम बोटियाँ, पतले पतले स्ट्रिप्स में। तो पपीता हम यूज़ करेंगे। अच्छा, कुछ मैंने बोटियाँ भी बना ली हैं, जो पीसेज ऐसे थे उनकी बोटियाँ भी मैंने कटिंग करी है, जैसे आप ये देख सकते हैं ये बोटियाँ भी थोड़ी सी हैं जी। तमाम स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया, इनका पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट आ गया, तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल हो गए। लेमन जूस जी तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें मैंने इसमें शामिल कर दिया। पपीता जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा मलाई बोटी का, बीफ मलाई बोटी का, और सीख कबाब स्टाइल है लेकिन मलाई बोटी का थोड़ा सा हमने तड़का इसमें दिया है, तो अपने फ्लेवर भी ऐड किए हैं। ये ऑयल आ गया इसके अंदर, इसके अलावा हमारा ये आ गया पेस्ट, प्याज और दही का जो हमारा पेस्ट था ये शामिल हो गया। इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए हम मैरिनेट करेंगे, 7 से 8 घंटे हम अच्छा सा मैरिनेट करेंगे, और फिर हम इसको तवे पे, फ्राई पैन पे, तवा ले लें, फ्राई पैन ले लें, उस पर फ्राई करेंगे। चले इसको करते तकरीबन 7 से 8 घंटे, और आप चाहें तो 24 घंटे भी देंगे तो ये बहुत अच्छी सी मैरिनेशन आपकी रेडी हो जाएगी जी। मैरिनेट किए हुए हमें 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, और अब हमने जो है अपने मैरिनेटेड जो हमारा बीफ था जो, तो उसको हमने स्कीवर्स में लगा लिया है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, और ये अच्छा से गल चुका है। और बिस्मिल्लाह करके इसको तवे पे, मैं तवे पे आप कर लें, मैं फ्राई पैन में कर रही हूँ, आप चाहे तो ग्रिल कर लें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको इसमें शामिल करते हैं। इसी तरह मैं सारे इसमें शामिल करूँगी, और फिर इसको मैं कवर कर दूँगी फॉर अबाउट, अभी तो फ्लेम मेरा जो है नॉर्मल है, मीडियम फ्लेम है, और फिर मैं इसको करूँगी कवर फॉर अबाउट 10 मिनट्स, तो ये अच्छा सा और कुक हो जाएगा ऑन अ लो फ्लेम। चलें जी, ये देख सकते हैं ऐसे करके सारे शामिल हो जाएंगे इसके अंदर। तो बस अब इसके ऊपर लिड लगाऊंगी, और फिर इसको 10 मिनट के लिए हम जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी गल चुके हैं, क्योंकि हमने इसमें पपीता लगाया था जी। ये थी आज की ज़बरदस्ती रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा, और इसको तकरीबन 24 आवर्स से लेके आप 48 आवर्स तक इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। बहुत ही इजी गोइंग सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, अल्लाह हाफिज़।